ऑलराइट गाइस, व्हाट्स अप। और आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, NXT 2.0 ये वाला जो अरीना है, अब इसने एक भी फोटो नहीं डाली, अब क्या कर सकते हैं हम, खैर जो भी है, हमें ये वाला अरीना इंस्टॉल करना है। और मतलब प्रीव्यू में जो चीज़ दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही, बट स्टिल ब्लड फॉर्म में ही देख सकते हो कि हमारा अरीना कैसा दिखने वाला है। बाकी कैसा दिखेगा वो शायद हमें अब करने के बाद ही दिखेगा, बट खैर जो भी है, लेट्स गो, लेट्स इंस्टॉल NXT 2.0 बिकॉज दिस इज़ द लेटेस्ट अरीना। और यहाँ पर इन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है, इट विल रिप्लेस Backlash 1 फ्रॉम अभिलाष's मॉड। अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं किया देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डू इट, बिकॉज अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो यहाँ पर यू विल गेट सो मेनी डिफरेंट अरीनाज। और आपकी गेम में लाइक मतलब आई गेस नॉट श्योर बट शायद से 15-20 न्यू अरीनाज आ जाएंगे, तो मतलब काफ़ी अच्छा मॉड है, यू शुड डू इट। अगर आप करोगे देन ऑफकोर्स इट इज़ गोना बी Backlash 01। अगर आपने नहीं करा है देन आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस, रुको, हाँ, देन इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस योर बेस NXT। तो अगर आपने ये नहीं भी करा है इट्स स्टिल फाइन, यू जस्ट हैव टू डू बेस NXT, यहाँ पे ये चीज़ रिप्लेस होगी। अगर आपने करा है देन ऑफ कोर्स इट्स गोना रिप्लेस Backlash 01। तो गाइज विद दैट बीइंग सेड, सबसे पहले आपको जो काम करना है यहाँ पे दैट इज़ ऑफ कोर्स डाउनलोड दिस मॉड। ऑल गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, इसे हमने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है ऑफकोर्स बाय 7zip या जो भी आप यूज़ करते हो, extract 2 जो भी करके। एंड हमारे पास यहाँ पे ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, बट हाउ एवर इवन दो आई हैव अभिलाष मॉड बट स्टिल मुझे Backlash 01 भी चाहिए, इसलिए मैं भी इसे बेस NXT में इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो प्रीटी मच अगर आपने अभिलाष वाला मॉड नहीं भी इंस्टॉल करा है तो भी बिल्कुल लिटरली सेम प्रोसीजर रहने वाला है। लेट्स सी कि सबसे पहले अंदर हमें चीज़ें क्या मिलेंगी, इंस्टॉल में लिखा है, लेट्स सी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें इनिट पोजीशन एडिट करनी है, और क्या क्या एडिट करना है वो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। सिमिलरली हमें यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी Misc 1 में, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। Misc 04 में ऑफकोर्स करेक्ट, और यहाँ पे है वी हैव द कलर्स, सही है, सही है, ऑल गुड। ऑल राइट, तो बैक करके आएंगे और यहाँ पर हम देखते हैं अरीना, ये तो आई थिंक एज इट इज़ रिप्लेस होगा, बट स्टिल थोड़ा चेक कर लेते हैं कहीं कुछ एडिशनल चीज़ें रिप्लेस ना हो जाएँ। एंड मूव, चलो सही है। तो सबसे पहले तो ये काफ़ी सेफ फोल्डर है, इसको एज इट इज़ हम कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी डायरेक्टरी खोलनी पड़ेगी, सो दिस इज़ माई डायरेक्टरी। इस पर हम कर देंगे सीधा पैक को कॉपी करो और पैक को पेस्ट करो। रिप्लेस के लिए बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, रिप्लेस हो चुका है, NXT से रिप्लेस होगा, डोंट वरी, ठीक है। ऑल राइट, आसान काम हो चुका है, इट्स टाइम टू डू द मुश्किल काम नाउ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंस्टॉल में वापस चले जाते हैं और देखो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें एडिट करनी है, Misc 1, Misc 4, कलर्स और इनिट पोजीशन। इनको एडिट करने के लिए हमें 2 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक्चुअली 3 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये जो 3 हैं ये तो हो जाएंगे हमारे WrestleMania से, ये वाला जो इन्होंने काफ़ी क्लियरली लिखा है एडिट इन HXD, मतलब ये होगा हेक्स एडिटर में एडिट, बट हेक्स एडिटर में करने से पहले हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कुछ, और वो होगा बैक एडिटर से। सबसे पहले आसान काम करना चाहूँगा, इसलिए हम ओपन करेंगे यहाँ पर WrestleMania। और उतनी देर में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो देखो Misc 1 नंबर और सॉरी Misc 1, Misc 4 आपको मिलेंगे, 2K19 डायरेक्टरी में जाना है, उसके अंदर आपको जाना है पैक में, उसके अंदर आपको जाना है यहाँ पे रूट में, और यहाँ पर ये जो है स्टार्ट, इसको खोलना है, इसको खोलना है, एंड देन 002। यहाँ पर आप जो भी एडिटिंग करोगे वो होगी ये वाली, तो यहाँ पर लिटरली बस एक ही चेंज करना है हमें, तो शो व्यू में जाना है आपको, और एक सेकेंड, अब हमें एक चीज़ जाननी पड़ेगी, NXT, देखो ये है, तो बेस NXT ये है। अगर मैं अभिलाष मॉड वाला सिस्टम अगर करना चाहूँ तो इन दैट केस मुझे यहाँ पे Backlash 01 ढूंढना पड़ेगा, वेयर कैन दैट बी, ये, तो इन दैट केस मुझे ये काम यहाँ पे करना था, बट सिंस आई वॉन्ट दिस टू बी इंस्टॉल्ड इन NXT इटसेल्फ नॉर्मली, जैसे कि हर कोई करेगा, तो सिमिलरली हम यहाँ पे करने वाले हैं। और यहाँ पे बस एक चेंज करना है हमें, दैट इज़ लाइव जो है वो 0 होना चाहिए। तो फिर चलते हैं इधर, स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, इसकी आईडी याद रखना है, ठीक है, आईडी नहीं लाइक मतलब बेसिकली नंबर, इट्स 62, तो ताकि आप जब आगे भी जाओ और यहाँ पर हमें लाइव एडिट करना है, एज यू कैन सी यहाँ पर, तो ये 5 है हमारा, हमें 62 करना था, 62 ये ऑलरेडी 0 है वैसे तो, टू बी ऑनेस्ट। ऑल राइट, तो आई थिंक हमें लाइव में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो सॉर्टेड है। अब बारी है Misc 04 की। ऑल राइट, Misc 04 भी आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस है, पैक में जाके रूट खोलना है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा Misc 4 कहीं ना कहीं, Misc 4 अरीना, इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है और यहाँ पर इसको ओपन करना है। मिस्क व्यू में आप चले गए और यहाँ पर वेट अ सेकेंड आपको आईडी याद रखनी है, ठीक है, स्लॉट नंबर याद रखना है। आई मीन अबे हाँ सही है। ऑलराइट, तो हमारा स्लॉट नंबर है यहाँ पे 2, इसको याद रखना ज़रूरी है 2। तो अब हम जब यहाँ पर जाएंगे एम मिस्क व्यू, हमें 2 इससे छेड़खानी करनी है। यहाँ पर इसे ओपन करते हैं, इसे मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ से भाई सेम टू सेम चीज़ें आपको सारी करनी है। ऑलराइट, तो चेंजेस शुरू करते हैं। सबसे पहला चेंज यहाँ पे एज यू कैन सी एरिना नंबर 138। अब 138 नहीं, हम यहाँ पे 002 कर रहे हैं बिकॉज हमें बेस NXT करना है। फिर भी चेक कर लेते हैं 138। तो अब भाई चेक करते हैं ज़रा 002 में जाके 138 पे क्या है। और जहाँ तक मेरा दिमाग बोल रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड रुको, 138 ओ सॉरी 138 बैकलैश 1। मैंने क्या बोला था, लिटरली वही सीन है। बट जो भी है, हमें ये जो चीज़ इंस्टॉल करनी है, हमें ये इंस्टॉल करनी है मिस्क व्यू में जाकर 2 पर, बिकॉज 2 जो है हमारा NXT और NXT हमें रिप्लेस करना है। वैसे टू बी ऑनेस्ट बैकलैश 1 को चेंज करना इतना बुरा आइडिया नहीं है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ द ट्यूटोरियल हम NXT को सेक्रीफाइस करने वाले हैं फॉर NXT 2.0। ओके, पहला चेंज करेंगे यहाँ पे, स्टेडियम इज़ 99। तो बस डबल क्लिक करना है और 99 लिख दो। और यार ये चीज़ क्यों चली जा रही है बार बार इधर, इसको ऐसे रख दो, ठीक है। 99 कर दिया। एडवर्ड होगा 0, कॉर्नर पोस्ट 33 होगा, तो ये लास्ट चेंज है क्या, मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा, बट शायद से लास्ट चेंज है। ऑलराइट, एक सेकंड रुको, इसे करने के बाद, हाँ इसके बाद बस कलर करना है ना, ठीक है। इसे पहले सेव कर दो, सेव हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे अपने कलर में। अब कलर के लिए हमें रूट से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा मिस्क में, इसके अंदर पैरामीटर और इसके अंदर लाइट और फिर इसके अंदर ये, इसे खोलेंगे, एक ही फाइल मिलेगी 00000 जितने भी 0 हैं, और यहाँ पर चले जाओ। एंड देन ऑफकोर्स 1 सेकेंड हमें 2 एडिट करना है यहाँ पर, और 2 के कलर कैसे होने चाहिए ये आपको पता चलेगा एक सेकेंड में। तो 2 के कलर होने चाहिए बेसिकली ऐसे। तो वैसे तो इनको कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें नोटपैड में लिख के देना चाहिए था, बट चलो काम चला लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, अरे यार हाँ अब ठीक है, रुको अब नहीं है ठीक। मैं चाहता हूँ कि दूसरी चीज़ गायब ना हो जाए। अब सही है, रुको अब सही है। ऑलराइट, तो हमें 2 छेड़ना है यहाँ पर। अब ये मुझे मन तो नहीं कर रहा फिर से लिखने का पूरा 93। मैं सोच रहा हूँ अगर यहाँ से मिलता जुलता कुछ, ये वाला सही है, यही तो है ये एग्जैक्टली। रुको लॉल, इसे हम कॉपी करेंगे, 2 पे करेंगे, देयर गोज़ 2 पर्पल, ये वाला है ये शायद। देखो मिल जा रहे हैं भाई इधर उधर से, क्या करूँ मैं। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये पिंक, ये शायद नहीं मिलेगा, बट हू द हेल केयर्स। अगर नहीं मिलेगा तो मिलता जुलता कुछ और रख देंगे, बट चलो अगर आप चाहते हो तो एक मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। 2 में चले जाएंगे हम, यहाँ पर करेंगे हम FFE25। ओ सॉरी छोटा हो गया, FFE25। एक तो कुछ दिखने में बड़ी दिक्कत आ रही है, BEE कर दिया और देन इसको भी लिख ही देता हूँ यार, FF5C2BFB। और कलर 4 तो इन्होंने डाला ही नहीं है, इसको कर देते हैं ऐसे, इसको कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद कर दो सेव और भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ ये इसको कट कर दो, एक सेकेंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने यहाँ पे 3 चीज़ें कर ली हैं ऑलरेडी। मिस्क 1 हमें वैसे पर्सनली छेड़ना नहीं पड़ा, बट अगर आपको चेंज यहाँ पर सेम नहीं है देन यू हैव टू मेक श्योर कि लाइव आपका 0। सिमिलरली मिस्क 4 भी सेम टू सेम कर दो, एंड देन ऑफकोर्स इसको भी आपको सेम करना है। इनकी लोकेशंस कहाँ पे हैं, कैसे एक्सेस करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नाउ इट्स टाइम टू डू दी हेक्स एडिटिंग। अब हेक्स एडिटिंग काफ़ी खतरनाक है, जस्ट किडिंग, ईजी है काफ़ी। एनीवेज, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी मेन डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, 2K19, इसको ओपन कर दो, पैक ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम जाएंगे प्रॉप में, प्रॉप में जाके प्रॉप डाटा, और यहाँ पर है भाई, रुको इसको डिलीट करने दो, ये स्पॉइलर हो गया, ये बाद में दिखेगा आपको। एनीवेज, इनिट पोजीशन, इसको आपको ओपन करना है। अगर आपके पास पैक एडिटर इंस्टॉल्ड है तो ऑलरेडी डबल क्लिक करोगे तो वो अपने आप खुल जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो खुल चुका है। अबे यार, अपने आप खुल चुका है, इस पर डबल क्लिक कर दो और यहाँ पर हमें चाहिए 00000, ये वाली फाइल। अब इसको आप कर दो एक्सट्रैक्ट, सेव, कंप्लीट, और इसका काम खत्म हो गया। बट कट मत करो बिकॉज, अरे भाई साहब इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए से कट मत, अबे यार इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए से कट मत करो। एनीवेज, हमने जो एक्सट्रैक्ट किया था, अब देखो यहाँ पर चीज़ आ चुकी है। इस पर अगर आप डबल क्लिक करोगे और अगर आपके पास हेक्स एडिटर इंस्टॉल्ड होगा देन ऑफ कोर्स ये जो फाइल है ये खुल जाएगी आपकी हेक्स एडिटर में। एंड नाउ लेडीज़ एंड जेंटलमैन कम्स द वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अब मुझे पता है सारे लोग सोचेंगे कि ये फाइल हमें एज इट इज़ रिप्लेस करनी है, बट दैट मे नॉट बी द केस। पहले आपको ऐसे ओपन करना पड़ेगा, hex2decimal.com। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शिट लग रही है आई नो, बट आई मीन इट्स ईजी। खैर जो भी है, हम चेक करेंगे। इधर देखो, अब इसमें लिखा है 8A। अब 8A का क्या मतलब होता है, लेट्स सी, बिकॉज यहाँ पे कभी कभी प्रैंक हो जाता है। एक सेकेंड, क्या लिखा था? 8A, ओके 8A। कोई यार ऐसे नहीं मिलेगा, ये 8A मैं खुद सर्च ही कर लूँगा। हाँ ये रहा, हेक्स। ये देखो ये क्या बन रहा है, 138। दैट मीन्स अगर मैं इनकी बात यहाँ पे मान लेता तो आधा काम मैंने NXT में करता और आधा काम बैकलैश 01 में, विच वुड मीन कि दोनों एरिनाज डिस्ट्रॉय हो गए, बिकॉज आधा काम उसमें, आधा काम उसमें, और कोई भी एरिना फुल नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ पे 8A पे नहीं करेंगे, दैट इज़ रॉन्ग। हम यहाँ पर करेंगे, हमारा देखो कोड था फॉर NXT इट वॉज 02, बिकॉज 00 स्नैकडाउन होता है, 01 रॉ होता है, और ये था NXT। दैट मीन्स हमारा 2 है। यहाँ पर हमें जो चेंज करना है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन 02। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसको आप मान लो, मान क्या लो, मैं खुद ही कर देता हूँ इधर। यहाँ पे है हमारा, अबे यार मतलब समझ गए ना, 02 पे हमें ये चीज़ करनी है। एक सेकेंड, ये इसको हमने ओपन कर दिया, इसको हम बंद करेंगे, इसको हम काट सकते हैं अब, और इसको छोटा कर दो ताकि ये चीज़ गायब ना हो। बाकी चीज़ें सेम रखनी है, पर इसकी जगह आपके पास 02 होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब दिस इज़ वेयर वी हैव टू डू दी एडिटिंग। तो 02 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम काम करेंगे दैट इज़ गोना बी 01 01, तीनों 01 है बेसिकली। बस आप ये तीन देखो, बस ये 4 फाइल्स ज़रूरी होती हैं, ये 4 एंट्रीज ज़रूरी होती हैं। ये 4 फर्स्ट जो होती है वो आपका स्लॉट होता है। अब स्लॉट मैंने आपको बता दिया, hex2decimal.com से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारा स्लॉट 02 है। अगर हम नॉर्मली इसकी बात मान लेते 8A की, तो हमारा बैकलैश में फ़र्क पड़ता, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो दैट इज़ गोना बी ऑन 02 विच इज़ NXT। अब बाकी के 3 स्लॉट क्या बोल रहे हैं, 01 01 01। दैट मीन्स ये वाला जो स्लॉट है दैट इज़ गोइंग टू बी 01। ये जो स्लॉट है दिस इज़ गोना बी 01, और ये जो स्लॉट है दिस इज़ गोना बी 01। यू हैव डन द चेंजेस। अब बस आपको सेव करना है एंड डन। बट अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, आपका हेक्स एडिटिंग का काम ख़त्म हो चुका है। कट कर सकते हो सब कुछ, बट मैंने आपको बोला था पैक को ओपन रखना, बिकॉज आपने जो भी काम किया है इसको वापस इंपोर्ट करेंगे हम। तो इसको सेलेक्ट कर दो और फिर करो इंजेक्ट फाइल, और फिर इसे कर दो सेलेक्ट, ओपन, एंड इंजेक्शन इज़ कम्प्लीट। कट कर दो, डन। एंड आई थिंक अब आपका सारा काम हो चुका है। बट जब भी आप इन अरीना इंस्टॉल करते हो एक बार CCT खोल लेना। CCT इज़ कस्टम कैरेक्टर टूल्स। इसको ओपन करने के बाद चंक टूल में जाके क्लियर चंक और रीजनरेट, जो भी रीजनरेट चंक डेफ। एनीवेज, फॉर रेफरेंस यहाँ पर आप अभी टाइम देख सकते हो, इट्स 11:45 AM। और जब हमारी गेम शुरू होगी मैं आपको फिर से टाइम पे हाईलाइट करूँगा, तो आपको उससे एक रेफरेंस मिल जाएगा कि कितनी देर बाद ये गेम यहाँ पर शुरू हुई है। हेलो हेलो हेलो, ओके। सो फाइनली जैसा कि आप देख सकते हो 11:51, और हमारी गेम जस्ट अभी अभी यहाँ पर शुरू हुई है। एनीवेज, लेट्स सी, लेट्स होप कि हमारा NXT 2.0 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया हो। ओ भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो रहा है, और मैं ये भी बताऊँगा कि ये कैसे फिक्स होगा। इसके यार ये जो चीज़ हुई इसको फिक्स करते हैं हम मिस्क 1 में, बट मिस्क 1 में उन्होंने बस लिटरली एक ही चीज़ लिखी थी। अब इसका रीज़न मुझे ये लग रहा है शायद से बैकलैश 1 जो था वो ऑलरेडी ऑन फ्लोर है, और यहाँ पर तो ये मतलब जो हमारी एंट्रेंस देखी उस हिसाब से ये वाला बंदा अभी स्टेज पे चल रहा था। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, मिस्क 1 को हम काफ़ी हद तक सिमिलर कर देंगे बैकलैश 0 1 से, या फिर स्मैकडाउन या फिर रॉ से भी कर सकते हैं, बिकॉज वो भी आई गेस उसमें भी एडिशनल कुछ स्टेज नहीं होता, वो भी फ्लोर से शुरू होता है। तो मे बी वी कैन कॉपी पेस्ट दी रॉ या फिर स्मैकडाउन। हम जाएंगे यहाँ पर रूट और मिस्क 1 जैसे कि मैंने बोला। अब यहाँ पर मेन चेंजेस होते हैं टू बी ऑनेस्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे चले गए हम। सबसे पहले स्मैकडाउन को ऊपर करना है यार, स्मैकडाउन लाइव। ओके, स्टेज 3 1 मुझे लगता है यहाँ पे जो चेंज है शायद इससे फ़र्क पड़े। इसको मैं फ़िलहाल 3 कर रहा हूँ, और एट द सेम टाइम ज़रा हम चेक करते हैं कि 137 का क्या, 38 सॉरी 138 था ना बैकलैश शायद से, 138 हाँ। इसका कौन सा स्टेज है? इसका स्टेज 0 है। ओके, तो अगर स्टेज इज़ द इशू देन मे बी लेट्स गो विद द स्टेज 0। चेक कर लेते हैं क्या सीन है। ओके, चेंजेस तो सेव हो चुके हैं। Now let's open the game again. All right guys, we are back और स्टेज में हमने चेंज कर दिया है। Now let's see कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। AJ Styles को ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। And then let's go ahead, चलो दूसरी तरफ बिग ई ले लेते हैं। एरिना अब हम करने वाले हैं ये फिर से NXT में। और ओ भाई साहब, इस बार एज यू कैन सी हमारा लोगो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो एंट्रेंस इज़ ऑन, बिकॉज एंट्रेंस से ही हमें पता चलेगा कि चीज़ फिक्स हुई या नहीं। एनीवेज विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गो। ओके, एजे स्टाइल्स बिग ई NXT 2.0, होपफुली हमारा स्टेज यहाँ पर फिक्स हो गया होगा। व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? हाँ चलो 3 2 1 लेट्स गो। स्टेज एज यूजुअल फिर से सही लग रहा है, बट मेन प्रॉब्लम जो है लेट्स सी वो फिक्स हुई है या नहीं। ओ भाई साहब, बिल्कुल परफेक्ट, एज यू कैन सी, बिल्कुल लिटरली परफेक्ट। सिमिलरली दूसरे बंदे के एंट्रेंस पे चेक कर लेते हैं। नाइस, बिल्कुल एज यू कैन सी परफेक्टली मैच हो चुका है सब कुछ। तो बेसिकली स्टेज 0 होगा वहाँ पर। अब उस मॉडर ने खुद मेंशन नहीं किया था भाई, ये मॉडर की गलती है, हमारी गलती नहीं है, बट स्टिल जो भी है हमने ऐसे फिक्स कर दिया यहाँ पर। एंड एज यू कैन सी एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। हल्का सा गेम प्ले कर लेते हैं, बिकॉज ये एरिना सच में काफ़ी इनोवेटिव है। मेरे को ये क्राउड इफेक्ट सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है जो मैं इस तरफ दिख रहा है, ऑन दी हार्ड कैम वाली साइड। ऑलराइट, ड्रॉप किक बाय एजे स्टाइल्स, और भाई साहब यार ये लुक काफ़ी यूनिक लग रही है। नाउ बिग ई गोइंग फॉर द कवर, ऑलरेडी 1 एंड अ किक आउट। भाई साहब बिल्कुल एक अलग लुक लग रही है यार, ये तो मानना पड़ेगा सभी को। एनीवेज यहाँ पर हम जाएंगे आयरिश व्हिप, डक्स दैट, और काउंटर हो चुका है। नाइस, चलो भाई, डाउन गोज बिग ई। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने बिल्कुल सही से फ्लोर पूरा फिक्स कर दिया है। नाउ इट इज़ फुली वर्किंग, और अब मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यार भाई, अरेना बहुत ही सही है। एंड शाउट आउट टू द क्रिएटर, नाम मुझे याद नहीं है बट डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट वगैरह सब कुछ पूरा प्रॉपर मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है डेफिनेटली मेक श्योर टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब कर दो इफ न्यू टू द चैनल। किसी को कोई भी इशू आ रहा है डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड अगर मैं मदद कर पाया डेफिनेटली आई विल हेल्प यू गाइज आउट। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।